शिवसेना से बगावत करने वाले नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि वह असली शिवसेना है, लेकिन क्या वह शिवसेना हथिया सकते हैं? यह सवाल मौजूदा दौर में बहुत महत्वपूर्ण है और इस सवाल का जवाब शिवसेना के संविधान में छुपा है। वह संविधान जो शिवसेना ने चुनाव आयोग में कई साल पहले जमा कराया था। शिवसेना का यह संविधान जिन लोगों ने पढ़ा है उनका दावा है कि एकनाथ शिंदे कभी भी शिवसेना नहीं हथिया सकते, क्योंकि इस संविधान में शिवसेना प्रमुख पद पर बैठे व्यक्ति का फैसला ही अंतिम है और सभी को उसे मानना बंधनकारी है। शिवसेना प्रमुख का यह पद सर्वोच्च है और उसे किसी को भी पार्टी से निकालने का अधिकार है। किसी को भी पार्टी से निकालने का फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सलाह से शिवसेना प्रमुख पद पर बैठा व्यक्ति कर सकता है। नमस्कार, मैं नीलांजन तिवारी। ऐसे में सवाल यह भी है, क्या शिंदे शिवसेना प्रमुख बन सकते हैं? शिवसेना का संविधान कहता है कि शिवसेना का प्रमुख चुनाव पार्टी की प्रतिनिधि सभा करती है। प्रतिनिधि सभा में सिर्फ विधायक और सांसद ही नहीं बल्कि जिला प्रमुख, जिला संपर्क प्रमुख और मुंबई के विभाग प्रमुख भी शामिल होते हैं। 2018 में जब उद्धव ठाकरे को शिवसेना प्रमुख चुना गया था, उस वक्त शिवसेना की प्रतिनिधि सभा में 282 प्रतिनिधि थे जिन्होंने उद्धव ठाकरे को पार्टी का प्रमुख चुना था। इतना ही नहीं, शिवसेना की नीति नियामक इकाई जिसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी कहते हैं उसका चुनाव भी प्रतिनिधि सभा ही करती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 14 सदस्य होते हैं। इनमें से शिवसेना प्रमुख पद पर बैठा व्यक्ति अधिकतम 5 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अवधि 5 वर्ष की होती है। इस समय जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी कार्य कर रही है उसकी अवधि 23 जनवरी 2023 तक बरकरार है। आदित्य निर्वाचित, शिंदे नियुक्त। 2018 में शिवसेना की प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए 9 सदस्यों को निर्वाचित किया था, जिनमें आदित्य ठाकरे, मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, लीलाधर डाके, दिवाकर रावते, सुभाष देसाई, रामदास कदम, संजय राउत और गजानंद कीर्तिकर चुने गए थे। इनमें सुधीर जोशी दिवंगत हो चुके हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इसके अलावा 4 और सदस्यों की नियुक्ति की थी, जिनमें आनंद गीते, चंद्रकांत खैरे, आनंद राव अड़सुल और एकनाथ शिंदे की नियुक्ति की गई थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल लोगों को ही अपने नाम के साथ शिवसेना नेता लिखने का अधिकार है। अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या शिंदे को निकाल सकते हैं उद्धव? पार्टी का संविधान कहता है कि शिवसेना प्रमुख पद पर बैठे व्यक्ति को संगठन में से किसी को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सलाह पर निकालने का अधिकार है। वहीं पार्टी संविधान यह भी कहता है कि हर मामले में शिवसेना प्रमुख सर्वमान रहेगा। शिवसेना प्रमुख के पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसलों को निरस्त करने का भी अधिकार है। क्या संविधान बदला जा सकता है, लोग ये बात कर रहे हैं। तो इसका जवाब यह है कि शिवसेना का संविधान कहता है कि संविधान में किसी भी संशोधन का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी को है। जैसा मैंने पहले भी बताया है, पार्टी के संविधान में लिखा गया है कि यदि किसी मुद्दे पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मतभेद होते हैं तो ऐसे स्थिति में शिवसेना प्रमुख पद पर बैठे व्यक्ति का निर्णय सर्वमान रहेगा और बंधनकारी होगा। ऐसे में अब बागी शिंदे गुट के पास किसी दूसरी पार्टी में विलय के अलावा कोई और विकल्प नहीं दिखता। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मॉलिटिक्स के साथ।